Hi, this is Karishma Sharma. Please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. गुरमीत चौधरी की बीवी उसके घर को छोड़ के जा रही है। अंदर के सूत्रों का ये कहना है कि जितना गुरमीत का मोहब्बत स्क्रीन में था करिश्मा शर्मा के साथ, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जा रही है। चार डंडे भी मारे हैं, अस्पताल में एडमिटेड है गुरमीत चौधरी या होने वाले हैं। क्या बात है, सच सच बता गुरमीत, ये आरोप सही है कि गलत? बिल्कुल सही नहीं है। करिश्मा ये बताओ, मैंने सुना था कि इस वीडियो में, बरसात की धुन वीडियो में, तुम्हें एक्चुअली गुरमीत का बहन का रोल मिल रहा था। उसके बाद गुरमीत ने चिल्लाया, वैनिटी से वॉकआउट किया और तब स्टोरी लास्ट मिनट में चेंज हुई, इसके बारे में बताओ। अरे नहीं नहीं, पहले गुरमीत ने मुझे देखा और वे बेहोश हो गए थे, फिर उनमें मैंने पानी मारा, फिर हमारी केमिस्ट्री बनी, फिर उन्होंने इन जो हमारा एडी था वो उनके हाथ में, सर ने बोला यही स्टोरी बनानी है, फिर हमने बोला ओह माय गॉड वी बोथ आर बिहारीज। सो ऐसा कुछ हुआ था, आपकी जो स्टोरी है वैसा नहीं हुआ था। तो माने गुरमीत क्यों बेहोश हो गया, ये बेहोश हो गया कि यार देख के बेहोश हो गया, सुंदर लड़की इमोशन को नहीं समझ रहे हो भाई, देख के ही वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज गोना बी माय को एक्ट्रेस एंड ही जस्ट, मतलब मैं गिर गया था, मैं दरवाजा खोलते दरवाजे पे गिर गया और सपने में सपना खुला तो देखा कि मैं एडी को पकड़ के बैठा हुआ हूँ। फिर डायरेक्टर ने बोला कि यही स्टोरी रखते हैं, यही है। तो माने सुना कि जब तुम बेहोश थे तुम एडी को चूमने लगे इस करिश्मा को सोचकर। सही पकड़े हैं। बट ये मुझे बताओ, सुना है कि जब तुम्हें पता चला करिश्मा तुम्हारे ऑपोजिट है इस वीडियो में, तुमने गूगल किया, तुमने सर्च किया और ये पता किया कि करिश्मा सिंगल है कि नहीं। यार सिंगल है नहीं है क्या फर्क पड़ता है यार, तुम्हें काम करना, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने इसलिए गूगल देखा ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। अभी सिंगल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस देखते मैंने कहा सर इसके साथ ही काम करना है, नहीं तो नहीं करूंगा ये गाना, तो मतलब गाना ही नहीं होगा जब तक करिश्मा नहीं होगी। My God, guys. अच्छा मुझे honestly बताओ ना, scale of 1 to 10 करिश्मा, 10 being the highest, तुम्हें गुरमीत कितना hot लगता है? सच्चे दिल से बोलो। 12। अगर गुरमीत सिंगल होता तो तुम उसको डेट करती? जरूर लाइन मारती मैं। ऊपर वाला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, देबीना मेरी भाभी, मेरी भाभी क्या हो रहा है भाभी। अच्छा अगर तुम सिंगल होते तो तुम डेट करते करिश्मा को? हाँ जी बिल्कुल, व्हाई नॉट, सुंदर लड़की है, बिहार की है, मतलब बिहार है ना यार, दो बिहारी, हम दोनों लिट्टी चोखा वाले डेट पे जाते हैं, लिट्टी बनता चोखा खाते और क्या चाहिए मेरे भाई। ये गुरमीत चौधरी का आखिरी इंटरव्यू है अपने लाइफ में दोस्तों, गुरमीत क्योंकि उनकी बीवी ने ऊपर पहुंचा देगी। सच्चे दिल से बता यार, अंदर की बात है, भूल जा कि लोग हमें देख रहे हैं। गुरमीत ऐसा कभी आया कि जब तुमने करिश्मा को देखा बोला यार मैं शादीशुदा क्यों हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ घुसते दरवाजे, मतलब खुलते ही, मतलब मैं जैसे देखा मैं बेहोश हो गया, मुझे लगा क्यों ऐसा क्यों। पर मैं क्या कह रहा हूँ, बरसात में ऐसी भी हो सकती थी कि तुम दोनों दूर दूर बैठे हो, पुराना रोमांस हो रहा है, इतना चिपक क्यों रहते तुम दोनों? क्यों चिपक रहे आप? क्योंकि we couldn't stop ourselves और जो लाइफ में इतना हमारे देखो जो भी हमने ना, हमें बरसात में करने का मन करता है, देखो रियल लाइफ में तो हम कर नहीं पाते हैं, तो हमने पूरी भड़ास निकाली है वीडियो में, फुल रोमांस, माने जो आपके मन में था आपके दिल में था आपने कहा वीडियो में कर दो, निकाल दो अपनी पूरी भड़ास भड़ास। बट यार कभी तुम्हें ऐसा लगा गुरमीत, जब तुम चिपक रहे थे करिश्मा के साथ, तुम्हें कभी ये लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी है, अच्छी बीवी है, खूबसूरत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों हो गया, लग क्यों गया। मुझे ऐसा फील होता है जल्दी गाना बजाओ, जल्दी बारिश वारिश आए, फील में आए, डांस वांस करें, इससे मौका कहाँ दोबारा मिलने वाला है यार, मतलब ये वाला फील जो ऐसा गाने ऐसे बारिश में महाबलेश्वर में ऐसा फील पे डांस करना ही, मतलब और साथ में करिश्मा, मतलब मैं क्या ही बोलूं। बट लिसन करिश्मा, भाई ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की कि नहीं? बिल्कुल नहीं।
अबे सच सच बचाओ यार, कोई टेंशन नहीं। सच बता रही हूँ यार, सैड हो, बिल्कुल नहीं। In fact, we spoke so much about his love story. He met Divina when he was 19, and he said, मैंने उसको उसके बाद छोड़ा ही नहीं है। मैं इंस्पायर हो गई, मैंने कहा यार, अब नेक्स्ट जो मुझे लवर मिलेगा मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। And I'm gonna go to him for love advice. Last time we and you have spoken about my heartbreak. Now, hopefully. यार एक चीज मैं बताऊं गुरमीत, एक्चुअली मैं करिश्मा से लास्ट टाइम बात किया, यू नो इट्स ब्यूटीफुल, माने लड़की डीप डाउन एक्चुअली बड़ी सिंपल है और लड़की डीप डाउन बड़ी इमोशनल है, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट यू आर लुकिंग फॉर लव। डू यू थिंक मेरा असेसमेंट करिश्मा के बारे में विदाउट जजिंग हर इज राइट भाई? बिल्कुल, ये लड़की बहुत, एक तो बहुत खूबसूरत है, लड़की इमोशनल है, लड़की देसी भी है विदेशी भी है, और क्या चाहिए यार, मतलब क्या चाहिए। जब मिले तो मैंने सुना इनसे कि बिहार के लिट्टी चोखा के बारे में भी बात किया, यू नो, और लड़की में और क्या चाहिए यार, मतलब इनको तो मतलब लाइन लगी हुई है। अभी जैसे जैसे बस स्टॉप पे मिले थे, वैसे तो मैं तो बोलता हूँ आप देखो इस गाने के बाद तो ऐसे भी लड़के फिदा हैं, और क्या चाहिए। पर ये बताओ करिश्मा, मैं एक बहुत ही इंटेंस लड़की को देखता हूँ बीच बीच में, जोक्स असाइड, अ गर्ल हू इज वेरी इंटेंस डीप डाउन, टेल मी, is this happened because of your heartbreak, jo tumhara you know relationship breakup ho uski wajah se tum itni intense ho gayi ya pehle se thi? I think I have had my journey since childhood, you know, and I think that's taught me a lot, you know, my parents being separated and then, you know, having that whole journey of living by myself since I was 17, I had to fetch for myself, so I think it teaches you in life, you know. And I hope people see it also. You know, I get roles which are more intense. Karishma, mujhe batao, while tum roles ke liye logon se milti ho, baatein karti ho, kabhi koi insider from the Indian film industry ne usne kuch tumko bura bura, kabhi kaar kuch aisa statement bola jisse tumhe bahut dard hua, dukh hua? Has anyone said something which is not been nice to you? I remember I wanted to do something very. Like I didn't want to do something very out there, and they were like, "Poo Bani Parvati." So that really hurt me because I was like, you know, at the end of the day, I'm human, and I have been through my journey, and I can be different. I'm just not that one flavor of Karishma. There are different sides to me. Yeah, that hurt me, but I think that really gives you that fire that no, you're going to prove them wrong. Not like it matters, but Gurmeet, तुम तो बचपन से ही टिके हुए हो, हाँ? तुम्हारा वो हसीन चेहरा जो बिना स्थलों के बिना मेकअप के भी इतना खिला हुआ है भाई, ये बताओ तुमने भी किसी ने कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला जिसे तुम्हें हर्ट हुआ? यार ऐसे तो बहुत दफा ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। तो एक जब मैं फिल्मों में आ गया तो एक अच्छे डायरेक्टर थे, बड़े डायरेक्टर थे, और उन्होंने घर पे बुलाया और मुझे नरेशन दिया, और मुझे यार नई फिल्म समझ नहीं आई। You know, आज के टाइम पे ऐसा होता है कि आप नई फिल्म समझ आई और आप मना कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। और मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे कोई फिल्म नहीं करने दूंगा, और ये मैंने ऐसे सुना है, और मैंने मुझे ऐसा झटका भी लगा कि ये क्या, क्योंकि आप ये तो मतलब एक होता है ना, आप एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ता है और आपको लगता है यार आप करो या नहीं करोगे, लेकिन मुझे बोला गया और उन्होंने मुझे खड़े होकर बोला कि मैं तुझे कभी काम नहीं कर दूंगा, तुमने मेरी फिल्म कैसे बनाई, तुझे क्या लगता है फिल्म गंदी है। तो ये होता है यार, ये सारी चीजों से आप गुजरे हुए हो। फिर मुझे समझ आया कि यार ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं, बस मैं मुझे लगा कि ये ऐसी लाइफ है, इसको फाइट करना है और अपने आप को प्रूव करना और अपने काम से बोलना है यार, ये काम, और यही तो काम है, ये तो फौजी का लड़का हूँ यार, कहाँ जाएगा, कहाँ, कुछ भी नहीं था लाइफ में, पैसे नहीं होते थे जब मुंबई आए थे, तो भगवान का दिया हुआ आई सब कुछ है। तो चीज है, मैंने कहीं सुनी है ये बात, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि अगर ये सच है, दैट्स ब्यूटीफुल। सुना कि तुम्हारे पिताजी ने अपने FDs, फिक्स डिपॉजिट्स तोड़े थे तुमको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, एक्टिंग करवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे डैड आर्मी में थे, और ऐसा नहीं था कि आर्मी में ऑफिसर रैंक में थे कि बहुत बड़े पोस्ट पे थे, सिपाही से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो सिपाही से वो जेसीओ बने, तो हमने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। और लेकिन मेरी एक डैड की बहुत अच्छी बात थी कि वो हार नहीं मानते थे, शायद वो चीज़ मेरे में भी बात आई, और उन्होंने कहा था कि जो भी करना है ना सबसे बड़ा काम करना है,
छोटे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मुझे याद है जब मैं नया नया आया था तो पोर्टफोलियो होता था कि आप पहला तो सबसे पहले एक्टिंग के लिए आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है, अगर पोर्टफोलियो गंदा है तो आपको डायरेक्टर ऑडिशन के लिए नहीं बुलाएगा। तो तब उस वक्त डब्बू रत्नानी, मतलब अभी भी वो तो बहुत बड़े हम सभी जानते कि काफी उनसे अच्छा कौन हो सकता है, उस वक्त उन्होंने डब्बू रत्नानी से पोर्टफोलियो करवाया था और उन्होंने अपनी एफडी तोड़ी थी और उन्होंने मुझे पैसे दिया था। तो मुझे मालूम है कि एक फौजी जो अपना एफडी जब तोड़ता है ना यार, बहुत बहुत मेहनत की कमाई होती है, काफी काफी मेहनत के बाद वो एक एक जोड़ जोड़ के वो घर बनाते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई थी यार, और मुझे लगता है डैड का आशीर्वाद है, बस लगे हुए। यू नो करिश्मा, यू आर अ वेरी प्रिटी गर्ल, वी नो दैट, बोलने की बात नहीं। मनी मन में करिश्मा बोल रहे, तू क्या बोलेगा, पूरी दुनिया मुझे बोल रही है कि मैं खूबसूरत हूँ। तुम्हारे एक्सप्रेशंस, एक्टिंग भी अच्छी है, मैं देख चुका हूँ थोड़े फुटेजेस। व्हाई इज इट करिश्मा इज नॉट गेटिंग द मेन लीड इन अ बिग बॉलीवुड फिल्म? व्हाट इज स्टॉपिंग दैट डिस्पाइट यू हैविंग व्हाट इट हैज एंड व्हाट यू हैव? आई थिंक इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, यू नो, आई थिंक दैट रियली मैटर्स। And I'm doing the right kind of work now. And maybe this year, you will see. ये फुटेज मैं विद्या बालन को दिखाऊंगा जाने से पहले, तुम्हारी बीवी का जो fan of her. मैं प्रॉमिस ये टैग करूंगा, रीट्वीट भी आएगा, सब चीज आएगा, तो मैं दिखाऊंगा। ये मुझे बता गुरमीत, सच में दिबीना ने तो ट्रेलर रिएक्शन सब दे दिया, हमने देखा, सच में बताओ कैसा रिएक्शन था उनको तुम्हारे ये ये जो बैचलर वाली हरकतें तो तुम करते हो यार। एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं, मैं और देबिना ना दोस्त की तरह है, और उसका उसका जो ड्रीम है ना वो मेरा ड्रीम है, और मेरा जो ड्रीम है वो उनका ड्रीम है। जब देबिना कुछ करती है तो मुझसे ज्यादा खुशी, मतलब मुझे लगता है कि मैं मुझसे ज्यादा खुशी, मतलब इतनी खुशी होती है। उसी तरह जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ देबिना को, यू नो, मैंने देबिना को उस वक्त देखा है, मैं आपको बताऊं, जब मैं टीवी कर रहा था, मैं पहली बार जब अवार्ड करने गया था, हर एक एक्टर का सपना होता ना कि यार परफॉर्म करे, उस स्टेज पे परफॉर्म करे, अवार्ड शो में परफॉर्म करे। मुझे वो दिन याद है आज भी कि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा था, और मिस इंडिया था शायद उस प्लेटफॉर्म पे मैं डांस करने जा रहा था, तब मैं टीवी कर रहा था। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था यार, मुझे बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए, तो मतलब मैं कुछ कहीं पे पहुंच गया। और जब मैं रिहर्सल कर रहा था, मैं आपको बताऊं, देबिना ट्रेन डांसर है, क्लासिकल डांसर, वो आती थी, वो मेरा वीडियोस देखती थी कि हाँ गुरमीत ये चेंज कर, वो चेंज कर। और मुझे आज भी याद है उसमें एक स्टंट था जहाँ पे मैं बैक फ्लिप मारता हूँ, मतलब तो लाइव था, करते करते, और काफी डेंजरस था, और देबिना खुद सेलिब्रिटी है, और देबिना को भी वहां पे इन्वाइट किया गया था। देबिना आगे नहीं बैठी थी, देबिना मेरे साथ पीछे बैक स्टेज पे, वो जो कॉर्नर होता है ना वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे परफॉर्म करते हुए देख रही थी। वो मुझे लुक आज भी याद है, मैंने परफॉर्म किया और लाइव करते करते मुझे बैक समरसॉल्ट मारना था, एक डांसर मुझे पकड़ता, मैं बैक समरसॉल्ट मारता और डांस करना स्टार्ट करता, और जब मैं परफॉर्म करके वापस आया मुझे लगा तब तक देबिना आगे वाली सीट पे, यू नो, बैठ गई होगी। और मुझे याद है जैसे मैं देखा, मुझे लगा मैंने देखा देबिना खड़ी, और उसके आंखों में ना वो इमोशनल है यार, मुझे ऐसा फील हुआ है बहुत, ये ना ये यार या वे लकी यार, मुझे लगता है ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसा रिलेशन चाहिए लाइफ में यार, कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो यार क्या है मैं बोलूं यार, मैं जो काम करता हूँ देबिना, इससे बड़ी क्या खुशी क्या हो सकती है दोनों के लिए यार। वो जब कुछ अच्छा करते तो मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, मुझे लगता है मैं पेरेंट, मतलब मैं माँ बाप हूँ यार उसका, ऐसा फील होता है। डोंट वरी करिश्मा, तुम्हें भी एक अच्छा लड़का मिलेगा, हम दोनों की तरह कभी हो ही नहीं सकता यार। मतलब क्या, मतलब एक बेहोश हो गया, एक मतलब समझ नहीं आ रहा है सिद्धार्थ को अभी, मैं कैसे, मतलब सिद्धार्थ का मन कर रहा है वो जूम कॉल पे घुस जाए अंदर। हे करिश्मा, आई लव यू स्वीटहार्ट, आई डोंट आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट यू एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सीइंग दैट एंड अप्रिशिएटिंग इट And time, you know, asking the right kind of question, because it really makes me feel that I'm talking with no filters, and you know, I'm being a human with, and you know, we're having like a heart-to-heart conversation. So, hats off to you, man. And you bring that out in me also. Moment you're earnest, everyone's earnest around you. Gurmeet, अच्छा जाने से पहले एक कसम खा ले भाई कि अब से मैं कभी चिपकूंगा नहीं खूबसूरत लड़कियों के साथ वीडियोस में। क्या करूंगा, नहीं चिपकूंगा नहीं यार, ऐसा मतलब मैं रोमांटिक हीरो हूं यार, ऐसे चिपकूंगा नहीं, मतलब ऐसे कैसे चिपक सकता, मतलब काम एक्टिंग तो कर सकता हूं ना, ऐसे नहीं चिपकता यार, गुरमीत नहीं चिपकता, कैरेक्टर चिपकता है।
थैंक यू सो मच करिश्मा, थैंक यू गुरमीत, लव यू गाइस, खुश रहो, मस्त रहो, ब्रप।